से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पीर बुद्धू शाह जिसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पहचान लिया है कि वो कौन है, हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसी सेवा की है सत्संग जी से, इसके हजारों मुरीद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ युद्ध में शामिल होता रहे कई जगह पर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और युद्ध में शामिल होकर इसने अपने दो बेटे, चार बेटे थे इसके, दो बेटे इसने युद्ध में शहीद करवा लिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर विश्वास नहीं डोला इसका गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इसे पता था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खुद अल्लाह का नूर धरती पर आए हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुसलमान है पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हुक्म के अंदर है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मिलने आया, दर्शन करने आया। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने केसों में कंघा कर रहे थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। केसों में कंघा कर रहे थे, फिर बुद्धू शाह पास में आया, नतमस्तक हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तरफ देखकर मुस्कुराए, कहने की पीर बुद्धू शाह हम तेरी सेवा पे बहुत प्रसन्न है, तूने अपने दो बेटे भी शहीद करवा लिए युद्ध में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे लिए तूने बहुत कुछ किया है, तू मांग तू क्या मांगता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो मांगेगा तुझे देंगे। ध्यान देना साथ, निरंकार कहे कि मांग ले जो मांगना है, आदमी क्या क्या सोचता है, पर पीर बुद्धू शाह की भावना देखिए उसने क्या कहा। कहने का पाचा अगर त्रुट्ठे हो कुछ देना चाहते हो तो ये जो कंघा है जिसपे केस अटके हुए हैं आपके, कंघी की है आपने, वो केसों समेत मेरी झोली में डाल दीजिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हमारे जैसा कोई क्या सोचेगा कि कंघा केसों समेत, कुछ राजभाग मांगता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई ऊंची बड़ी चीज मांगता, पर जिसकी श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, उसको पता है एक एक रोम में क्या है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी ने कहा था ना पाचा गुरु नानक पाशा से, सबसे पूछा एक टका हाथ में रखे कि मेरे हाथ में क्या है, सबने कहा टका ही तो है, बार बार क्यों पूछ रहे हो, बदल थोड़ा जाएगा। जब गुरु अंगद देव जी से पूछा, कहने लगे पाचा मैं क्या जानू तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ के एक एक रोम में कितने सृष्टियों के सुख हैं तू ही जाने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पीर बुद्धू शाह कहने लगा मुझे ये केसों समेत कंघा दे दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वो कंघा केसों समेत उसकी झोली में डाल दिया। अब ये पीर बुद्धू शाह अपने घर में गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर में पहुंचा है, घर वाली का नाम आया नसीरा बेगम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब इसे पता चला कि मेरे दो बेटे ये युद्ध में शहीद करवा के आए हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कहने पर, इसने तो आते ही रोना पीटना और झगड़ा करना शुरू कर दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़ा करना शुरू कर दिया कि क्या मिला, गुरु के पीछे लगकर अपने दो बेटे शहीद करवा के आ गए हो, क्या मिला। तो पीर बुद्धू शाह कहता है ये देखो केसों वाला कंघा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब पीर बुद्धू शाह ने ये दिखाया तो गुस्सा और बढ़ गया, तुम अपने दो बेटे शहीद करवा के आए हो और मुझे कह रहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने केसों वाला कंघा दिया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दो बच्चों के बदले ये लेकर आए हो, चार बच्चों में से दो बच्चे बचे हैं मेरे, एक माँ का हृदय कैसे तड़पता है एक माँ से पूछो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब पीर बुद्धू शाह जानता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन है, पर इसकी आंख नहीं खुली, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़ा करते करते नमाज का समय हो गया, ऐतिहासिक घटना है साथ में, नमाज का समय हो गया, नसीरा बेगम भी नमाज पढ़ने बैठ गई, पीर बुद्धू शाह भी नमाज पढ़ने बैठ गया। आज नमाज में पीर बुद्धू शाह ने खुदा से दुआ मांगी कि या खुदा जो निगाह तूने मुझे दी है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को देखने वाली, इसे भी दे दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हृदय से दुआ निकली उसके रोते हुए कि ये पहचान नहीं पा रही है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन है, जो आंख तूने मुझे दी है इसे भी दे दे, और खुदा ने वो दुआ सुन ली, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जब नमाज से नसीरा बेगम उठी
तो जो कुछ खुदा ने उसे दिखाया वही जाने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उठी और फिर से झगड़ा करने लगी, कहने लगी झगड़ा मैं पहले भी तुमसे कर रही थी, झगड़ा मैं अब भी करूंगी। पहले इसलिए झगड़ा कर रही थी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए तुमने दो बेटे कुर्बान कर दिए, अब मैं इसलिए झगड़ा करूंगी कि तुमने चारों बेटों क्यों नहीं कुर्बान कर दिए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। झगड़ा अब भी करूंगी कि तुमने चारों बेटे क्यों नहीं कुर्बान कर दिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जरा विचारो उसने क्या देखा होगा जिससे उसे विश्वास आ गया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या अवस्था, एक माँ एक बात कह सकती है कि मेरे चारों बेटे शहीद हो जाएं, मर जाएं, पर वो कह रही है क्या देखा होगा। यह है विश्वास की ताकत। जिसको गुरु पे विश्वास आ जाए बड़े से बड़ा दुख उसे हिला नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये विश्वास की ताकत को समझो। ये बार बार अरदास में सिखानु सिखी दान, केश दान, रह दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, विश्वास मांगा है, क्योंकि ये कीमती नियामत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो दास बार बार कह रहे हैं कि मांगो, मेरे लिए भी मांगो, अपने लिए भी मांगो, पाछा सारा जीवन दिए जला जला के खत्म होने को आ गया है। बाहर के दीपक जगा लिए, अब तरस कर भीतर विश्वास का दीपक जगा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु।